अंडरग्राउंड तंदूरी चिकन वाला। एक गांव में तपन नाम का एक व्यक्ति था जो तंदूरी चिकन की दुकान चलाता था। तपन अपने ग्रिल में तंदूरी फुल चिकन और अलग अलग किस्म के चिकन कबाब्स बनाता था। तपन के बनाए हुए चिकन बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग उसके दुकान पर वेट करके उससे चिकन खरीद कर ले जाते थे। तपन ने अच्छा खासा पैसे बनाया, पर तपन के पैसे बचते नहीं थे क्योंकि तपन की रीचा नाम की पत्नी और टिंकू नाम के बेटे के साथ भुवनेश नाम का एक बूढ़ा बाप भी था। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो भुवनेश को ना हो, वो हमेशा खाट पकड़ा रहता था। रीचा उसे 3 वक्त 30 किस्म की दवाइयां देती थी। इस तरह तपन की कमाई का 90% उसके इलाज के लिए ही चला जाता था। तपन के परिवार वाले भुवनेश को बहुत प्यार करते थे और बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वो ठीक से खाए या ना खाए उसके इलाज के लिए और दवाई के लिए पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक दिन डॉक्टर ने आकर भुवनेश को जांचा। डॉक्टर तपन से, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हारे पिताजी अब ठीक हो रहे हैं। अगर और 6 महीने यूं ही दवाई देते रहे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब आपका ये बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर तपन और रीचा बहुत खुश हुए। उस दिन रात को टीवी पर एक खबर आई, टीवी पर न्यूज रीडर, बीमारी बहुत तीव्र रूप से फैल रही है, इसीलिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर रही है। आज आधी रात से ये लागू होगा, अति आवश्यक वस्तुओं के अलावा और दुकानें सब बंद रहेंगी। ये सुनकर तपन और रीचा चिंता में पड़ गए। अगले दिन गांव में सारी दुकानें बंद थी। रीचा, अब सब ठीक हो जा रहा था, यूँ सोच रहे थे अब ये बीमारी की नई मुसीबत, आप दुकान चलाओगे तभी ना बाबूजी के हम दवाई खरीद पाएंगे, बैंक में भी रुपए नहीं है, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तपन उस गांव के एसआई से मिला और अपनी परेशानी बताया। देखो तपन, तुम्हारी समस्या मैं समझ सकता हूँ, पर यह फैसला सरकार ने जनहित में लिया है, तुम अकेले के लिए, मैं इसे बदल नहीं सकता। लॉकडाउन खत्म होने तक तुम किसी भी हाल में दुकान नहीं खोल सकते, हम ये भी नहीं जानते कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता तपन, आई एम सॉरी। तपन को यूं लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। तपन घर आकर रीचा से, सब कुछ खत्म हो गया, इतने दिन हम बाबूजी को बड़े ध्यान से देखभाल कर रहे थे, अब इस महामारी के कारण उनको बचाना मुश्किल हो रहा है, चलो कुछ करते हैं। ऐसा सोचा तो बेचारा सारा देश में कोई धंधा नहीं कर पा रहा है, सब अपनी किस्मत है, यूं उदास हो रहा था। ये सुनकर भुवनेश, बेटा तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो तुम लोग क्या करोगे बताओ, पहले तुम लोग इस बात पर ध्यान दो कि तुम लोग उस बीमारी के लपेटे में ना आओ। ये सब तपन के बेटे रिंकू ने सुना। दादाजी की बातें सुनकर रिंकू बहुत दुखी हुआ। तब रिंकू को एक उपाय सूझा, अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदने लगा। 2 दिन मेहनत करके एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें कोयला डालकर आग जलाया, फिर एक सीख में चिकन पीसेस को लगाकर उस आग के ऊपर रखा। थोड़ी देर बाद उस सीख को लाकर तपन और रीचा को दिखाया। तपन हैरान होकर, अरे इस चिकन कबाब को कैसे बनाया बेटे तुमने? रिंकू ने सब बताया। तपन ने तुरंत उस गड्ढे में सीख कबाब सजाना शुरू किया, कई किस्म के कबाब बनने लगे। तपन ने घर घर जाकर पर्चे बांटे, तंदूरी चिकन फ्री होम डिलीवरी, ऐसा उसमें लिखा था। लोग तपन को फोन में ऑर्डर देने लगे। तपन साइकिल पर घर घर जाकर तंदूरी चिकन डिलीवर करने लगा। इस तरह तपन फिर से खूब पैसे कमाने लगा, पिताजी को लाकर दवाई देने लगा। कुछ महीने बाद लॉकडाउन हटाने पर तपन ने फिर से दुकान शुरू किया। वहां आए कस्टमरों में से एक, इस इलेक्ट्रिकल ग्रिल चिकन से जमीन पर ग्रिल करने वाला तंदूरी चिकन ही बढ़िया है, हमें वही चाहिए। इस तरह तपन ने अपना दुकान बेचा और घर पर ही अंडरग्राउंड तंदूरी चिकन और चिकन कबाब्स बनाने लगा। बहुत कम समय में वो बहुत मशहूर हो गया और दूसरे गांवों से भी लोग आकर उसके चिकन खाने लगे। इस तरह तपन की कमाई 3 गुना बढ़ गया। तपन के पिताजी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। सबने
रिंकू की होशियारी की सराहना की। लॉकडाउन स्कूल। एक गांव में जगदीश मास्टर नाम का एक बूढ़ा अध्यापक रहता था। उसने एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए अच्छा नाम कमाया था। एक दिन जगदीश मास्टर सड़क पर जा रहा था कि गलती से उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा, बस जोर से फिसल कर नीचे गिर गए। अस्पताल में डॉक्टर उनके बेटे सुरेश से, तुम्हारे पिताजी के सिर पर गहरी चोट लगी है, वे अब कोमा में हैं, कह नहीं सकते कि वे कब होश में आएंगे, इसलिए अब उन्हें घर ले जाइए, हमारा नर्स आकर हर रोज उन्हें सलाइन चढ़ाएगा। 10 साल बाद एक दिन जगदीश मास्टर कोमा से बाहर आए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जगदीश मास्टर ने घड़ी देखा और अरे बाप रे, स्कूल के लिए देरी हो रही है, तू सोचकर घर से निकले। स्कूल पहुंचे तो वहां कोई भी बच्चा नहीं था। अटेंडर को बुलाकर, 8 बज रहे हैं, अब तक बच्चे क्यों नहीं आए? सर, आप 10 साल पहले कोमा में चले गए और आज जागे हैं। आपके पहली कक्षा के स्टूडेंट्स अब सारे 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं सर, और जो तब 10वीं में पढ़ते थे उनमें ज्यादातर की शादी भी हो चुकी होगी। वैसे भी आजकल स्कूल बंद है ना सर, आप नहीं जानते हैं ना, ये लॉकडाउन के कारण सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं सर, इसलिए आप घर बैठे ही बच्चों को पढ़ाइए। ये सुनकर जगदीश मास्टर दंग रह गया। कुछ दिनों बाद उसके बेटे सुरेश ने उन्हें एक कंप्यूटर लाकर दिया। जगदीश मास्टर कंप्यूटर में ही ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। सब बच्चे स्क्रीन में दिखे। स्क्रीन पर एक बड़ा पूरी दिखाई दिया, बच्चे की शक्ल नहीं दिख रही थी। अरे वो पूरी वहां से हटाओ, क्या तुम नहीं जानते कि क्लास के टाइम पर कुछ खाना नहीं चाहिए? मैं पूरी खाते ही क्लास अटेंड करूंगा, ये कौन सा सचमुच का क्लास है, ये तो ऐसे ही है, आप लेसन पढ़ाइए। वो पूरी देखकर दूसरा लड़का, मम्मी मम्मी मुझे भी पूरी चाहिए, कहकर चिल्लाया। एक और लड़की, और मुझे भी पूरी चाहिए। अरे चिंकू, पूरी के साथ क्या सब्जी खा रहे हो? चिकन करी के साथ खा रहा हूँ, तुम भी खाओ, बहुत मजा आ रहा है। यूं सब बच्चे पूरी का डिस्कशन लेकर बैठ गए। बच्चे तो क्लास में ही बात नहीं सुनते, अब घर में क्या सुनेंगे, सब किस्मत है, कहकर कंप्यूटर को ऑफ किया। अगले दिन जगदीश मास्टर 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक लड़का बिना कमीज पहने सिर्फ बनियान पहनकर बैठा था। ये क्या, बिना कमीज पहने क्लास में बैठे हो? जाओ कमीज पहन कर आओ। क्यों सर, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए नए हैं क्या? घर पर मुझे पैंट कमीज पहनने की आदत नहीं है सर, आपकी मर्जी हो तो पढ़ाइए वरना रहने दीजिए। मतलब तुमने पैंट भी नहीं पहना, कहकर सिर पकड़ लिया। एक और घर में मोटू नाम का लड़का कुर्सी पर बैठे ही सो रहा था। ए उठो उठो, चलो उठो, कहकर स्क्रीन को मारा। क्यों सर, कोमा से आप बाहर कब आए? लगता है तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ, तुम मेरे कोमा में जाने से पहले 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे ना, तुम अब भी 10वीं क्लास में हो? जी हाँ सर, पर इस बार मैं पास हो जाऊंगा। अरे तुम्हें उल्टा भी लटकाएं तो भी पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती, तो तुम पास कैसे होगे? सर इस बीमारी के कारण परीक्षा नहीं होगी सर इस साल, कहते हैं सबको पास कर देंगे, आपने देखा बीमारी से कभी कभी फायदा भी होता है सर, मेरे जैसे स्टूडेंट्स बिना पढ़े पास हो जाएंगे, इसलिए आप पढ़ाइए और मैं आराम से सोता हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है कि कितना ही अच्छा होता कि मैं कोमा से बाहर ही ना आता, कम से कम तुम जैसों को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ती मुझे। मैंने तय कर लिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलता मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा ही नहीं, कहकर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया।